नाउ क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 3 ऑन 24 पेजेस। फर्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक, यानी कि इनको आप नेचुरल फाइबर्स में या सिंथेटिक फाइबर में छाटिए। देखिए, नाइलॉन क्या है? सिंथेटिक फाइबर। ऐसी पॉलिस्टर क्या है? सिंथेटिक फाइबर। बाकी जो बचे हैं वो सारे क्या है? नेचुरल फाइबर, जैसे वूल, कॉटन, सिल्क, जूट, क्या है? नेचुरल फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर में नाइलॉन और पॉलिस्टर और बाकी सारे नेचुरल फाइबर्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बताइए कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है, कौन सा सही है, यानी ट्रू फॉल्स। यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर, यार्न तैयार किया जाता है फाइबर से, ये ट्रू है। बी, स्पिनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। समझे नहीं? ये कह रहा है स्पिनिंग जो है बुनाई एक प्रोसेस है मेकिंग फाइबर, नहीं, फाइबर की जगह यार्न होना चाहिए था, जो गलत है। नंबर सी, जूट इज आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। कोकोनट नहीं होता, जूट प्लांट होता है, इसलिए फॉल्स हो गया बच्चों। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। अभी समझाया था हमने कि सीड और कॉट और जो है सीड सीड फ्रॉम कॉटन, यानी कि रिमूव द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन, कॉटन से सीड अलग करना गिनिंग कहलाता है, ट्रू, सच है। वीविंग ऑफ यार्न मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक, अर्थात वीविंग बुनाई ऑफ यार्न से क्या क्या बनता है, इससे पीस ऑफ फैब्रिक, वस्त्र बनता है, ये ट्रू हो गया बच्चों। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन, सिल्क फाइबर तैयार किया जाता है फ्रॉम स्टेम ऑफ द प्लांट, नहीं, ये तो इंसेक्ट से प्राप्त होता है, समझे नहीं, सिल्क वर्म से प्राप्त होता है, फॉल्स हो गया। पॉलिस्टर इज ए नेचुरल फाइबर, बिल्कुल गलत, ये ना तो प्लांट से तैयार होता है ना एनिमल से प्राप्त होता है, इसलिए गलत है, पॉलिस्टर इज अ सिंथेटिक फाइबर होना चाहिए था, फॉल्स हो गया। इसका मतलब ये वाला ट्रू हो गया, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स और फिर फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड, फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान भरो। प्लांट फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन एंड जूट, पहले में कॉटन रख दो, दूसरे में जूट लिखो। नंबर बी, एनिमल फाइबर आर वूल एंड सिल्क, तो वूल आएगा यहां, यहां पर सिल्क आएगा। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन, किस पौधे के किस भाग से, सॉरी पौधे के किस भाग से कॉटन प्राप्त होता है? कॉटन फ्रूट से प्राप्त होता है, कॉटन किससे प्राप्त होता है? फ्रूट से। और ये जूट जो है वो स्टेम से प्राप्त होता है, तो कॉटन फ्रूट, कॉटन लिख करके डैश फ्रूट और जूट लिख के स्टेम। अब नेक्स्ट फाइव, नेम टू आइटम दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। कोकोनट फाइबर से जो आइटम बनाए जाते हैं उनका नाम लिखिए। एक तो मैट, चटाई एंड रोप्स, रस्सियां बनाई जाती हैं इससे। अब सिक्स, इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। फाइबर से यार्न कैसे तैयार किया जाता है, मैंने आपको समझाया था है, तो ये आप देखिए इसमें दे भी रखा है। देखिए ऑन पेज 21, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम द फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रोन आउट एंड ट्विस्टेड, दिस ब्रिंग द फाइबर टूगेदर टू फॉर्म ए यार्न। समझे नहीं? ये यार्न यहां से लेके यहां तक आ, और छोटा चाहते हैं तो यहां से यहां तक हो गया, ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट है। अब बच्चों कुछ डेफिनेशन पर आप निशान लगा लें,
जैसे ऑन पेज 19, यहां से फाइबर की डेफिनेशन है, यहां से देखें, द थिन स्ट्रेंड ऑफ द थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रेंड कॉल्ड द फाइबर्स। अब नेचुरल फाइबर्स पर, द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक सच एज द कॉटन जूट सिल्क वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। ये नेचुरल फाइबर डिफाइन हो गए बच्चों, नेचुरल फाइबर की डिफाइन। नाउ सिंथेटिक फाइबर्स ऑन पेज 20, सब्सटेंस विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। बस यहां तक ये हेडिंग डालेंगे, हेडिंग रहेगा और ये सिंथेटिक फाइबर की डेफिनेशन होगी पूरी, यहां से लेके यहां तक। अब बच्चों ये कॉटन बाल के बारे में पढ़ लें, फिर ये गिनिंग एक डिफाइन है, ये केवल निशान लगाएंगे, कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। फाइबर आर, देन नहीं लिखना, सेपरेट फ्रॉम द सीड बाय कॉम्बिंग, दिस प्रोसेस कॉल्ड गिनिंग ऑफ द कॉटन। गिनिंग हेडिंग डाल करके गिनिंग की डिफाइन हो जाएगी यहां से लेके और यहां तक। वीविंग पेज 21 पर, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टूगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। वीविंग की डेफिनेशन होगी बच्चों। बच्चों अब आप फिगर कौन कौन सी बनाएंगे, फिगर बनाने के लिए एक तो ये 3.8 डायग्राम कॉपी बना लें, फिर 3.11 चरखा बना लें, ये बनाने की जरूरत नहीं है, जो लेडीज बनी है, लड़की बनी हुई है इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जगह बस हाथ हाथ बना देना। और 3.14 निटिंग, ये वाला फ्लो चार्ट, कॉटन रोल लिखा हुआ है, कॉटन बॉल BOLL, ये काट दो, कॉटन बॉल, गिनिंग, फाइबर, स्पिनिंग, यार्न, निटिंग, फैब्रिक और वीविंग, ये फ्लो चार्ट है, इसको बना लेना कैसे बनाया जाता है। दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर 3। थैंक यू, कंप्लीट रखना आपका।